मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए फार्मास्यूटिकल प्रमुख डिवाइस लेबोरेटरीज का शुद्ध लाभ 63.89% घटकर 318.79 करोड़ रुपए हो गया, जो मोलनुपिरावर की COVID-19 बिक्री के उच्च आधार और उन्नत इनपुट लागतों से टकरा गया। चौथी तिमाही के लिए स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ एक साल पहले इसी तिमाही में देखे गए 882.96 करोड़ रुपए से गिर गया और स्ट्रीट के 373.30 करोड़ रुपए के अनुमान से पिछड़ गया। राजस्व भी 23.52% घटकर 1908.17 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन पिछली तिमाही में 1689.83 करोड़ रुपए से 12.92% अधिक था। संदर्भ के लिए, स्ट्रीट ने दिवी के लिए चौथी तिमाही में 1863.50 करोड़ रुपए का राजस्व आंका था। पूरे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी ने 1808 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ पोस्ट किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 2949 करोड़ रुपए से 38.69% कम था।